नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वक्त रहते संभल जाइए, नहीं तो ये व्यक्ति आपको जान से मारने की कोशिश कर सकता है। थोड़ी सावधानी रखिए, वरना आपको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है। आपके घर में कोई अनजान नहीं, अपना ही दुश्मन घूम रहा है, जो आपको मारने की कोशिश कर रहा है, जिसका नतीजा ये है कि दोस्तों आपके घर में परेशानियों का दौर समाप्त नहीं हो रहा है। कई बुरे परिणाम आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। जीवन नर्क के समान हो गया है। सफलता का मुंह तो आपने पता नहीं कब से देखा ही नहीं है। बस ये करने वाला कोई पराया नहीं, आपका अपना ही इंसान है, जो पिछले कई वर्षों से आपको परेशान करता चला आ रहा है। और जब इस व्यक्ति की कोई भी योजना असफल हो जाती है, तो उसका गुस्सा दोस्तों आपके व्यवहार के ऊपर ये व्यक्ति डालने लगता है। दोस्तों बिल्कुल सही सुना है आपने कि आपके ऊपर लगातार पिछले कई महीनों से बहुत समय से बुरा समय का सामना आपको करना पड़ रहा है, और ये केवल और केवल इसी व्यक्ति के कारण हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके पीछे बुरी तरह से पड़े हैं और आपको बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन आपके ऊपर बजरंगबली का हाथ होने के कारण ये लोग आपका बाल भी बांका नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को इन लोगों के साथ में रिश्ता तोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ खास पहचान भी बताएंगे इन लोगों की आपको। सबसे पहले तो इन लोगों से रिश्ता तोड़ देना है दोस्तों। जो अब तक आप इन लोगों पर भरोसा करते आए हैं या करते भी हैं, वो एक साथ ही टूट जाएगा, और ये लोग भरोसा भी आपका तोड़ देने वाले हैं। आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आपको कभी इस बात पर यकीन नहीं हो पाएगा कि व्यक्ति आखिरकार आपके बारे में इतना गलत कैसे सोच सकता है। और आपने जिन लोगों के लिए अपने दिन से लेकर रात तक एक की है, वे व्यक्ति ही आपके पीठ पीछे ये कार्य करते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खास जानकारी देंगे, ऐसे ही एक दुश्मन के बारे में भी बताएंगे जो आपके घर में छिप कर रह रहा है और आपके पीठ के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप लोगों को सावधानी रखना चाहिए, ताकि दोस्तों ये लोग आपको बर्बाद ना कर सकें। दोस्तों ये बता दे कि जो व्यक्ति आपका हर वक्त बुरा चाह रहे हैं, वे आपको थोड़ी सी भी खुशी में नहीं देख सकते हैं। जो दोस्तों आपके परिवार के ही हैं, लेकिन आप अभी तक उन्हें नहीं पहचान पाए हैं। आपको शंका है पर पूरा विश्वास नहीं है कि यही वह व्यक्ति है जो आपकी बर्बादी का कारण है, क्योंकि दोस्तों बिना जाने किसी पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते हैं। पर दोस्तों आज इस वीडियो को आप पूरा देखिए और उन इंसानों को आप आसानी से पहचान पाएंगे जो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा कष्ट दे रहे हैं, यूं कहें तो आपके जीवन को कंगाली की ओर अग्रसर कर रहे हैं। वीडियो बहुत खास है और ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हम आपको सतर्क कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, समय रहते संभल जाइए, वरना आपके जीवन की डोरी को ये तोड़ सकते हैं पर जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। बता दें कि आपके दुश्मन कुछ ऐसे भी हैं जो आपको नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों आपको ये बात जाननी चाहिए कि ये दुश्मन कौन हो सकते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये दुश्मन आपके अपने ही हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ये कोई गैर इंसान नहीं है, आपके अपने ही लोग हैं, जिन्हें आप खुद से ज़्यादा प्रेम करते हैं, खुद से ज़्यादा सोचते हैं। इससे ज़्यादा आप आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एक विश्वास की डोरी कहीं ना कहीं आपकी आज भी उन व्यक्तियों से बंधी हुई है। लेकिन दोस्तों ये लोग कहीं ना कहीं आपसे जलते हैं, आपसे घृणा करते हैं और आपको मारने की योजना तक बना डालते हैं। इसलिए आप इसे जान लीजिए वक्त रहते, नहीं तो बड़ी मुसीबत का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि आपको अपने जीवन से थोड़ा सा भी प्रेम हो, अपने जीवन की आप भलाई चाहते हैं, तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कई बार इन लोगों की वजह से आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका संघर्ष भरा जो जीवन रहा है वह काफी मुश्किलों से भरा हुआ है, और ये जो रुकती है दोस्तों ये दर्शा रही है कि दोस्तों ये समय आप लोगों के ऊपर लोकतांत्रिक क्रिया भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूँ कह सकते हैं कि आपके ऊपर ये लोग भूत भी छोड़ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को कुछ खास सावधानियाँ रखने की आवश्यकता है। दोस्तों ये समय
आप लोगों के लिए बहुत खराब चल रहा है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को भगवान पर भरोसा रखना है, बजरंगबली का नाम याद करते रहना है, ताकि दोस्तों आशा का नया सूरज आपके जीवन में उग सके। और वही दोस्तों ईश्वर की इच्छा रहेगी। जब ईश्वर की इच्छा से जीवन हम जीते हैं तो फिर वह सर्वोत्तम जीवन है और वह ईश्वर के आशीर्वाद के समान है। श्री कृष्ण का दोस्तों ये विचार यदि अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिख दीजिए जय श्री कृष्णा राधे राधे। दोस्तों आप अपने आसपास के लोगों को जब देखते हैं तो शायद ऐसा लगता होगा कि लोग आपसे काफी आगे निकल चुके हैं, आप समय में कहीं पीछे हैं। आपने बहुत मेहनत की है, संघर्ष भी किया है, फिर भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। आमदनी के स्रोत मजबूत नहीं हो पाए, छोटे मोटे स्रोत आपके बनते हैं पर ज्यादा समय तक टिकाऊ नहीं होते हैं। आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ता है दोस्तों, इसीलिए आपको भारी मुसीबत भी आपके आगे पड़ जाती है। देखिए दोस्तों, जब ऐसे लोगों की नजरें लगती हैं तो आपकी खुशियां मातम में बदलने लगती हैं। यदि आपको किसी से बचना है तो दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ सर्वोत्तम है, ये सभी चीजों का रामबाण इलाज है। दोस्तों सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहो को डरना। हनुमान जी की यह चौपाई में दोस्तों बहुत ताकत होती है। अब आपको लक्षण बताते हैं कि आखिरकार यदि आपके ऊपर किसी की काली नजर है या फिर किसी ने टोना टोटका करा दिया है तो आपको कैसे पता लगेगा। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि आप कितनी भी खुशी में हो लेकिन आपको गम यानी कि मातम का अनुभव होने लगेगा। आपको दोस्तों बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है। याद रखिएगा कि जब आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी होती है तो नकारात्मक विचार आपके मन में आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटे मोटे शोध बनते भी हैं तो ज्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रहते। आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी और घर में कलेश का माहौल आपको हर वक्त परेशान करके रखता है। आपके जीवन से आपको चिढ़ होने लगी है, एक अजीब सी उदासीनता ने आपको घेर लिया है। ये सब दोस्तों केवल और केवल आपका दोष नहीं है और न ही आपके ग्रह नक्षत्रों का खेल है, यह तो उस बुरी आत्मा का खेल है दोस्तों, जो आपके घर में छोड़ दी गई है आपकी बर्बादी के लिए। जब हमारे जीवन में उन्नति तरक्की आती है तो सबसे पहले जलन हमारे अपनों को ही होती है और उन्हीं को हमारा सुख नहीं देखा जाता। वह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच ऐसी शक्तियों तक होती है जो कि दूसरों का विनाश कर सकती हैं, और इन शक्तियों का फायदा उठाकर लोग दूसरों के घर में बर्बादी और परेशानी को न्योता दे देते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ भी हो चुका है। अब दोस्तों ऐसे आपको किस प्रकार से बचना चाहिए, कुछ खास उपाय बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में जो भी आएगा वह आपसे बहुत प्रसन्न होकर ही जाएगा। बिल्कुल सही सुना है आप, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। किस्मत का ताला भले ही देर से खुले पर खुलता जरूर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कि यदि आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो धन वृद्धि होगी। आप लोगों को कार्य क्षेत्र में भी नई उपलब्धियां आपके हाथ लगने वाली हैं, जिसमें आप लोगों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों आपके जीवन में एक दो राशि वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो थोड़े नकारात्मक प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों उन लोगों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। सबसे बढ़िया तरीका यही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आप लोगों के जीवन में बहुत सफलताएं छुपी हैं, इसलिए लोग आपसे बहुत आसानी से जलने लग जाते हैं। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है, इसलिए इन लोगों से नाता तोड़ देना ही सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है। और याद रखिए, भगवान गलत उसी के साथ करता है जो गलत होता है, और भगवान उन लोगों के साथ गलत कभी नहीं करता जो सही होते हैं। उनकी कृपा भी अच्छे लोगों पर बनी रहती है, इन बातों को आपको समझना होगा। दोस्तों आपके आसपास ऐसा कौन सा इंसान है, ध्यान से सोचे, कि आपको अपने पत्नी और बच्चों के खिलाफ भड़काता हो और आपके ही खिलाफ आपके पत्नी और बच्चों को आपके खिलाफ बताता है, आपके पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ताकि वो ये चाहते हैं कि वे आपसे झगड़ा करें और आप बर्बाद हो जाएं। ऊपरी दिखावा होता है। जो सच्चे इंसान होते हैं दोस्तों, वे सत्य बोलेगा तो कड़वा लगेगा, वे आपसे मीठी मीठी बातें नहीं करेंगे। वे ऊपरी ओर से मीठी मीठी बातें करता आपको हिचकारी दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वे आपको मारने वाला कार्य करता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना है दोस्तों। तो शत्रु का नाश करने का विशेष उपाय है, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि किसी भी दोस्तों बाहरी इंसान की बात ना माने। घर के बारे में दोस्तों
यदि आपको कोई किसी अपने लोगों के खिलाफ भड़काए तो ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। आप जिस कान से सुने दूसरे कान से निकाल दीजिए। और दोस्तों, अपने पारिवारिक जीवन में यदि आप बात करें तो कोशिश करें ऐसी बातें घर के बाहर ना जाएं। यदि पत्नी या फिर बच्चे को डांटना है या कुछ भी आपको समझाना हो तो कोशिश करें ये बातें आपके घर तक ही रहें, ये बात बाहरी लोग ना सुने। दोस्तों, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं ये लोग। यदि आप घर में किसी का दोस्त विवाह लगा रहे हैं या फिर रिश्ता लगा रहे हैं या फिर कोई भी कार्य कर रहे हैं, गुप्त योजना बनी है, तो ये कोशिश करें कि आप अपने दोस्तों ऐसे लोगों को ना बताएं जो आपकी बातें इधर से उधर कर देते हैं, आपको नुकसान करने की ये व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कभी भी विशेष और ख़ास ज़रूरत हो तो दोस्तों वो बहुत ही खास और निजी लोगों को ही बताएं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। दोस्तों, अब हम आपको एक खास उपाय बताते हैं जो आपकी बाधाएं दूर करेगा व शत्रुओं को नाश करेगा। यदि आप शत्रु को जानते हैं, पहचानते हैं, नाम भी जानते हैं, जो भी शत्रु है, जो भी आपको परेशान कर रहा है, जो आपके घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए आपको जितने भी शत्रु को जानते हैं उतना आपको गड्ढा खोद देना है। छोटे छोटे गड्ढे 6 इंच गड्ढा कर देना है, लेकिन दोस्तों ऐसी जगह पर करना है जहाँ कोई देखे नहीं, रोके टोके नहीं। और दोस्तों, वहाँ पर आपको 40 चावल के दाने ले लेने हैं और 38 उड़द के दाल के दाने ले लेने हैं आपको, और उसका नाम लेकर के गड्ढे में दोस्तों रख देना है। याद रखिएगा, किसी की बुराई करने के लिए या फिर बुरा करने के लिए आप ये उपाय ना करें, लेकिन उसकी बाधा आपके घर से, आपके सर से और आपके परिवार से उतर जाए, ये उपाय आप अवश्य कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी खास रहेगा। ईश्वर का स्मरण करें और उन चीज़ों को मिट्टी में दबा दें। शत्रु का नाम लेना है बार बार और ये कह देना है कि हे भगवान, इस व्यक्ति की गलत दृष्टि छाया हमारे सर से हटा दीजिए। उसके बाद में दोस्तों जय श्री राम, जय बजरंगबली का ध्यान करते हुए आप ईश्वर से क्षमा मांगे कि यदि आपने कुछ गलती की हो तो भगवान आपको क्षमा करे और आपको सुख फल की प्राप्ति दे। दोस्तों, आज हमने जाना कि किस प्रकार आपके अपने लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं और आप इन लोगों से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।